बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग पढ़ रहे हो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। जब फ्लू सॉल्वेंट में बड़ी कम तादाद में हो तो उसके लिए टर्म यूज करते हो पार्ट्स पर मिलियन। जैसे आप जानते हो कि वजन के लिए यूनिट होती है टन, मन किलोग्राम, ग्राम मिलीग्राम। लिहाजा जब आपने बात करना होती ना गंदम की, गंदम की आपने कभी मिलीग्राम में बात नहीं की, आपने ग्राम में बात नहीं की, उसके लिए सूटेबल यूनिट के टन की या मन की। इसी तरह जब आपने सोने की बात करना होती तो आपने कभी सुने कि सोना इतने टन या इतने मन, आप सोना सुनते हो इतने मिलीग्राम या इतने ग्राम। जो तोला होता है ना, तोला या माशा, ये ग्राम में होते हैं, ग्राम में। मतलब अगर कोई चीज बड़ी कम तादाद में हो तो उसके लिए छोटे यूनिट यूज करते हैं। तो वाटर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स जैसे कैल्शियम, जैसे सोडियम, जैसे क्लोरीन इतने कम होते हैं कि उनके लिए टर्म यूज करते हो पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन में क्या कह रहा हूं, द नंबर ऑफ पार्ट्स बाई वेट आर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर मिलियन। एक मिलियन में से किसी सोल्यूट का कितना पार्टिकल्स का कितना वजन है या कितना वॉल्यूम है, बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के हिसाब से उसे बोलोगे पार्ट्स पर मिलियन। इसलिए कि जैसे वाटर है ना, वाटर के 18 ग्राम में, 18 ग्राम होते हैं एक मोल में, तो 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन होते हैं और 16 ग्राम ऑक्सीजन होते हैं। लेकिन वाटर के अंदर तो सोडियम भी होते हैं, वाटर के अंदर तो क्लोरीन भी होते हैं। लेकिन 18 ग्राम में उनकी बड़ी कम वैल्यू होगी। फिर आप 100 ग्राम ले लो, उसमें भी उनकी बड़ी कम वैल्यू होगी। फिर 1000 ग्राम ले लो, उनमें भी उसकी बड़ी कम वैल्यू होगी। फिर आप मिलियन ले लो, तो मिलियंस पार्टिकल्स में वो जो कैल्शियम है, वो जो सोडियम है, वो सिग्निफिकेंट बन चुका होगा। इसीलिए आप मिनरल वाटर की बोतल देखते हो ना, उसके ऊपर लिखा होता है कैल्शियम इन पीपीएम, आयरन इन पीपीएम, सोडियम इन पीपीएम। तो पीपीएम इज द टर्म यूज फॉर द सॉल्यूट व्हेन प्रेजेंट इन वेरी लो कंसंट्रेशन। तो मैंने कहा द टर्म पीपीएम इज यूज व्हेन वी हैव वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन। जी, पार्ट्स पर मिलियन का जो मैथमेटिकल फार्मूला होगा, ये है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय, मिलियन होते हैं 10^6। और जब कोई कंपोनेंट इससे भी कम हो, इससे भी कम हो, तो उसके लिए यूनिट शुरू कर दिए पार्ट्स पर बिलियन पीपीबी, और ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^9। और अगर कोई कंपोनेंट इससे भी कम हो तो उसके लिए टर्म यूज कर दिए पार्ट्स पर ट्रिलियन पीपीटी, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10^12।